हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू फाई कोचिंग इंस्टीट्यूट वी विल डिस्कस द थ्री आइडेंटिटीज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एट्थ क्लास टू टिल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मीन्स ये वाली आइडेंटिटीज स्टार्ट होती हैं हमारी एट्थ क्लास से बट इनके जो रिजल्ट हैं हम लोग यूज़ करते हैं टिल कम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो फर्स्टली वी विल डिस्कस आर फर्स्ट आइडेंटिटी फर्स्ट आइडेंटिटी इज ए प्लस बी का होल स्केयर बेसिकली आपको माइंड में क्या रखना है दिस इज द होल स्केयर होल स्केयर को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा ए स्केयर प्लस टू टू हम अपनी तरफ से अप्लाई करेंगे साथ में क्या लिखेंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में ए इंटू बी प्लस बी का स्केयर सिमिलरली दिस वे ए माइनस बी का होल स्केयर फर्स्ट आइडेंटिटी में हम लोग सिंबल यूज़ कर रहे थे एडिशन का यहाँ पर सिंबल किसका है सब्ट्रैक्शन का तो जो हमारा फॉर्मूला है वो भी क्या रहेगा देखो ए स्केयर ए स्केयर बोथ आर सेम थिंग सिमिलरली दिस वे बी स्केयर बी स्केयर ये भी दोनों सेम रहेंगे अगर यहाँ पर प्लस है तो हम लोग यहाँ पर भी क्या अप्लाई करेंगे प्लस अगर इन दो नंबर्स के बीच में साइन है सब का तो हम टू के आगे भी साइन किसका अप्लाई करेंगे सब का इस वे में आप ये वाली टू आइडेंटिटीज लर्न कर सकते हो कि ए स्केयर ए स्केयर दोनों में सेम रहेगा बी स्केयर बी स्केयर दोनों में सेम रहेगा अगर आगे प्लस है तो आपको टू के भी आगे क्या अप्लाई करना है प्लस का साइन एंड अगर यहाँ पर माइनस है तो हेयर वी विल आल्सो अप्लाई द साइन ऑफ सब थर्ड आइडेंटिटी इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर यहां पर अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर होल स्केयर नहीं है यहां पर क्या है फर्स्ट नंबर ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर जब ये वाली आइडेंटिटी आएगी तो हमें क्या करना है ए माइनस बी ए प्लस बी इसको लर्न करने के लिए आप लोग क्या यूज कर सकते हो एक बार माइनस एक बार प्लस नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जाम्पल्स फर्स्ट एग्जाम्पल लेट सपोज x प्लस फाइव का होल स्केयर यहाँ पर क्या है जो आपका x है वो किसके इक्वल है a के इक्वल बिकॉज हम इसको कंपेयरिंग किसके साथ करेंगे a प्लस बी का होल स्केयर वेयर योर x इज इक्वल्स टू a एंड जो हमारा फाइव है वो किसके इक्वल है b के इक्वल है अब देखो a प्लस बी का होल स्केयर दिस आइडेंटिटी इसमें हम क्या करेंगे अब वैल्यूज़ में फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ में पुट करेंगे x प्लस फाइव का होल स्केयर क्या होता है फॉर्मूला ए स्केयर ए हमारा यहाँ पर क्या है x मीन्स x का स्केयर प्लस प्लस नेक्स्ट क्या है हमारे पास b का स्केयर b हमारा यहाँ पर क्या है फाइव मीन्स फाइव का होल स्केयर प्लस टू आपको अपनी तरफ से अप्लाई करना है इन टू ए हमारा यहाँ पर क्या है x b हमारा यहाँ पर क्या है फाइव इस इस फॉर्म में आप अपने वैल्यूज को पुट कर सकते हो फॉर्मूले में नाउ वी विल ओपन इट एक्स स्केयर प्लस टू फाइव आर टेन एक्स प्लस फाइव का स्केयर मीन्स फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव दिस इज आंसर। इसी क्वेश्चन का अब हम कन्वर्स करके देखते हैं देखो स्टेटमेंट है एक्स स्केयर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव मीन्स अब आपको ये वाली फॉर्म गिवन है ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्केयर आपको गिवन है फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर दोनों ही आपके पास क्या है परफेक्ट स्केयर की फॉर्म में बनते हैं मीन हम इनका स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स स्केयर को एक्स का होल स्केयर प्लस प्लस ट्वेंटी फाइव को हम क्या लिख सकते हैं फाइव का स्केयर प्लस टू इन ए हमारा क्या है यहाँ पर x b हमारा यहाँ पर क्या है फाइव ये वाली टर्म देखो अब ये वाला सेम हमारे पास स्टेप बन रहा है इट मीन्स इस स्टेप को हम किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं इस स्टेप के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं मीन्स अब हमें आइडेंटिटी गिवन है एंड हम लोग इसको फैक्ट्राइजेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं इट मीन्स अगर हम इसकी कंपेयरिंग करें ए स्केर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्केयर बन रहा है हमारे पास इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्केयर लिख सकते हैं अगर हम इसको ए प्लस बी का होल स्केयर लिख सकते हैं तो हमारा ए यहाँ पर क्या है एक्स है एंड बी हमारा यहाँ पर क्या है फाइव है इट मीन्स एक्स प्लस फाइव का होल स्केयर तो इट मीन्स ये वाला जो क्वेश्चन आपको पेपर में आता है इसको आप ओपन करके इसकी आइडेंटिटी अप्लाई करके आप रिज़ल्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हो एंड अगर आपके पास रिजल्ट आता है तो आप कन्वर्स की फॉर्म में भी जाके अपने क्वेश्चन की फॉर्म में लिख सकते हो एक्स प्लस फाइव का होल स्केयर की फॉर्म में नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं टू एम प्लस थ्री का होल स्केयर आप देखो इसको कंपेयरिंग हम अगेन कर रहे हैं ए प्लस बी का होल स्केयर तो इट मीन्स आपका यहाँ पर ए क्या है टू एम एंड बी हमारा यहाँ पर क्या है थ्री इट मीन्स ए प्लस बी का होल स्केयर की अब हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास ए स्केयर ए हमारा क्या है टू एम का होल स्केयर प्लस बी का स्केयर बी का स्केयर हम लिख सकते हैं मीन्स थ्री का स्केयर प्लस टू इंटू ए इंटू बी नेक्स्ट इसको ओपन करते हैं टू एम का स्केयर को हम लिख सकते हैं फोर एम का स्केयर प्लस टू टू जार फोर फोर थ्री जार ट्वेल्व एम प्लस थ्री का स्केयर मीन्स नाइन दिस इज योर आंसर अब इसी का अगर हम अगेन कन्वर्स करते हैं कन्वर्स में अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट आती है फोर एम स्केयर प्लस ट्वेल्व एम प्लस नाइन तो देखो इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इस फॉर्म को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं इस फॉर्म में लिख सकते हैं टू एम प्लस थ्री का होल केयर तो आपको पेपर में ये दोनों टाइप्स आती हैं इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी की फॉर्म में यूज़ करके हम उसका आंसर भी निकाल सकते हैं एंड अगर आपको ये वाली थिंग गिवन आती है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्टराइजेशन की फॉर्म में करके आप लोग आइडेंटिटी का रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं सार सेकेंड आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्केयर दैट इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर लेटस टेक वन एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर एक्स माइनस फाइव का होल स्केयर वेयर एक्स हमारा यहाँ पर किसके इक्वल है ए के इक्वल है एंड बी हमारा यहाँ पर किसके इक्वल है फाइव के इक्वल है नाउ हेयर वी विल पुट इन सेकेंड आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्केयर ए है हमारा यहाँ पर एक्स इट मीन्स एक्स का स्केयर नेक्स्ट इज माइनस टू इंटू ए हमारा यहाँ पर क्या है एक्स इंटू बी हमारा यहाँ पर क्या है फाइव प्लस बी का स्केयर मीन्स फाइव का स्केयर नाउ वी विल ओपन इट एक्स स्केयर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव अब इसी का हम लोग कन्वर्स यूज़ करते हैं एक्स स्केर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्केयर ट्वेंटी फाइव को भी क्या लिख सकते हैं फाइव का स्केयर यहां पर माइनस है तो यहां पर भी हम क्या अप्लाई करेंगे माइनस टू इंटू ए हमारा है x b हमारा यहाँ पर क्या है फाइव तो इट मीन्स अगर हम इसको कंपेयरिंग करें दिस इज़ योर ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्केयर लिख सकते हैं a हमारा यहाँ पर क्या है x एंड b हमारा यहाँ पर क्या है फाइव तो कन्वर्ट करके लिख दिया तो ये दोनों टाइप्स आपको एग्जाम में एक्चुअली आती हैं नाउ वी विल डिस्कस आर थर्ड आइडेंटिटी थर्ड आइडेंटिटी इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी मीन्स आपके पास ए एंड बी ये जो टू नंबर्स है दोनों क्या होंगे हमारे पास परफेक्ट स्केयर नंबर्स होंगे अस टेक द एग्जाम्पल फोर माइनस वाई का स्केयर दिस इज योर द स्टेटमेंट आप देखो फोर को हम लिख सकते हैं टू का स्केयर एंड वाई स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं वाई का होल स्केयर आप इसकी अगर आप कंपेरिंग करो विथ थर्ड आइडेंटिटी ए स्केयर माइनस बी स्केयर वेयर ए हमारा यहां पर क्या है टू एंड बी हमारा यहाँ पर क्या है वाई तो हमें आइडेंटिटी क्या अप्लाई करेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को लर्न कराने के लिए ये ईजी रहता है कि एक बार माइनस एक बार प्लस तो इससे स्टूडेंट्स को जल्दी से लर्न हो जाता है मीन्स एक बार माइनस एक बार प्लस दिस इज योर आंसर एग्जाम्पल देखो सिक्सटी फोर माइनस फोर्टी नाइन वाई स्केयर सिक्सटी फोर को हम लिख सकते हैं एट का स्केयर माइनस फोर्टी नाइन वाई स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं सेवन वाई का होल स्केयर this is the identity a square minus b square it means a bar minus a bar plus 8 minus 7y 8 plus 7y this is your the answer i think this topic is very helpful for you so please share it with students thank you everyone for watching my video